लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक तुम सत्य सिंह और साहू का नाम नहीं बताओगे, ना तुम जी सकोगे और ना तुम मर सकोगे। इसे रात भर बर्फ के सिल पर लिटाए रखो। नींद, प्यास और भूख की शिद्दत से ये अपना मुंह खोलेगा। चलो उठ। साहू साहब, मुझे डर लगता है कहीं रघु कल तक आप लोगों का नाम ना बता दे। चलो, तुम्हारी रिहाई हो गई है। जेल में आने से पहले इनके रिहाई के पेपर्स पहुंच जाते हैं। मैंने तुम्हारे अस्पताल में दाखिल होने का इंतजाम कर दिया है। ये रुपया रखो और काम होशियारी से करना। सबने भेजा है ना मुझे छुड़ाने के लिए? हाँ, ये क्या है? साइनाइड का कैप्सूल है। साहू साहब ने दिया तुम्हें खाने के लिए। नहीं, मैं जीना चाहता हूँ विश्वा, मैं जीना चाहता हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची, उसकी शादी होने तक मैं जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता विश्वा, मुझे बचा लो। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता विश्वा, मैं मरना नहीं चाहता। पुलिस मुलजिम को ना तो पहचान सकी और ना ही पकड़ सकी, और हमने जब मुलजिम को पुलिस के हवाले किया तो पुलिस हिरासत में एक रात भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकी, वरना हमने इन सियासी दलालों का पोल खोल दिया होता। सर, रघु का कत्ल इतनी चालाकी से किया गया है कि ये मेरे लिए खुद एक मुअम्मा बन गया है। ये मुअम्मा नहीं, पुलिस की कोताही है। अगर वो नहीं तो पुश्त पनाही है। सर, आपके बयान पर मुझे एतराज है। एतराज? एतराज किस बात का? एतराज करने से पहले उन गुंडों को पहचानिए जो वर्दी पहनकर पुलिस में शामिल हो चुके हैं और सियासी दलालों के इशारों पर काम करते आ रहे हैं। यू कैन गो।
तुम फिक्र मत करो, पुलिस कमिश्नर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जिंदगी भर रघु के कातिल को ढूंढता फिरेगा मगर विश्वा तक पहुंच नहीं पाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक विश्वा तो उस रात हॉस्पिटल में था। किस्सा खला। मगर हमारा जंगल की कटाई का ठेका धरा का धरा रह गया। जब तक राठौर रहेगा हमारे नाम और काम को खतरा लगा रहेगा। साहू, जब पाँव में कांटा चुभ जाए तो कांटा निकालोगे या पाँव काट लोगे? कांटा निकालना होगा। तो फिर सोचो मत, खत्म कर दो उसे। इस बार तुम कामयाब हो गए तो मैं अगले बाई इलेक्शन में तुम्हें मेरी पार्टी का एमएलए बनाऊंगा। आपकी मेहरबानी। अरे राठौड़ कालीघाटी के गेस्ट हाउस पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कल बुलाया हमारे काम पर सख्त निगरानी रखने के लिए। मौका अच्छा है, इल्जाम आतंकवादियों पर जाएगा। वाह बेटे, इसे कहते हैं बाप के नक्शे कदम पर चलना। अभी तेरे मंत्री बनने के दिन आ गए हैं। कमर दर्द की दवा, जोड़ों की दवा मिश्री लेती हो? जवानी की दवा, परेशानी की दवा सालम मिश्री लेती हो? तुम लोग यहीं ठहरो, मैं कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करके आता हूं। आप लोगों की मीटिंग चल रही है, आप लोग पीछे वाले रास्ते से जाइए। लेकिन वो तो चार कोस दूर है साहब, और हमें इसी रास्ते से जाना है। अरे भैया, अभी तो हमें जाने दो, हम बहुत दूर से पैदल आए हैं, हमारा जल्दी जाना जरूरी है, हमारी बेटी वहाँ बीमार है। ये लोग इस तरह समझेंगे नहीं, एक एक की झड़ती लो और इन्हें जाने दो। बोलो। चलो 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 चलो। चल आगे चल। Thank you.
ये क्यों किया तुमने? एक सच्चा और बहादुर इंसान दूसरे सच्चे और बहादुर इंसान की इज्जत ही नहीं बल्कि हिफाजत भी करता है। वो तो ठीक है, अगर ये जिंदा पकड़ा जाता तो हम सत्य सिंह को सड़कों पर सब्जी तरकारी बेचने लगा देते। वो दिन भी जरूर आएगा सर।